ही नारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हाफिज हफीजुर रहमान साहब, ब्रजीश ताहिर साहब, जनाब आतिफ सुलेमान साहब, जनाब मोहम्मद नजर साहब और गुपिस में मेरे जो मुस्लिम लीगी भाई बेटे बहने और बेटियां आई हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात की मोहब्बत देखकर, आपकी लगन देखकर और खास तौर पर इतनी बड़ी तादाद में जो ख्वातीन इस जलसे में हैं, इन सबको देखकर मुझे मुकम्मल यकीन है कि इंशाअल्लाह 15 तारीख को फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और आपकी होगी। हर इलेक्शन की एक हैसियत होती है। पिछले इलेक्शन में आपने एक फैसला किया, हाफिज हफीजुर रहमान साहब की हुकूमत आई और ये अल्लाह का करम है, इनकी काबीना की, इनके साथियों की मेहनत है कि जितनी तरक्की इनके दौर में गिलगित बल्तिस्तान में हुई उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये तरक्की आपकी वोट ने दी है। इस तरक्की का तसलसल भी आपकी वोट देगी। हम हमेशा यही नारा लगाते हैं कि वोट को इस तरक्की इसी नारे की बदौलत आती है। हाफिज हफीजुर रहमान साहब ये मौजूद हैं। जब मीटिंग होती थी, चार सूबों के वजीर आला आते थे, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला आते थे, आजाद कश्मीर के वजीर आजम आते थे, मैं बगैर किसी मुबालगा आरई के ये कह सकता हूं कि जितनी मेहनत हाफिज हफीजुर रहमान साहब करते थे, इनकी काबीना करती थी, इनका हमेशा कोई जाती बात नहीं होती थी, इनके हमेशा इलाकाई तरक्की की बात ये करते थे और उसके असरात आज आपको नजर आ रहे हैं। जितने फंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को दिए, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है। दो ढाई साल आज आफे साहब ने जो हुकूमत थी, दो ढाई साल इस पीटीआई की हुकूमत के साथ भी गुजारे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं एक अजाफी पैसा भी इनको इस ढाई साल में मिला हो। कोई जो पुराने पैसे थे वो भी नहीं मिल सके, जो मंसूबे चल रहे थे वो भी खत्म कर दिए गए। आज ऐसा इकबाल साहब यहां नहीं है, आप जानते हैं कि गिलगित से सड़क जो थी वो बड़ा रास्ता चित्राल चकदरा तक ये सीपैक के अंदर शामिल थी, इसके पैसे भी मंजूर थे। ये सड़क पिछले साल शुरू होनी चाहिए थी, ये हुकूमत आई, इन्होंने उसका खात्मा कर दिया। ये लोग काम करने वाले नहीं है। ये वो सड़क थी जो मियां नवाजी साहब ने खुद मेरे सामने उन्होंने नक्शे पर लाइन लगाकर कहा कि यहां से सड़क बननी चाहिए। इस पूरे इलाके में, वो इस इलाके में घूमे हुए हैं, वो जानते हैं इस इलाके को।
उन्होंने कहा कि ये इलाके की जरूरत है, ये इस इलाके को खोल देगा, इस इलाके की तरक्की होगी, इस इलाके को पाकिस्तान से जोड़ देगा। लेकिन आज बदकिस्मती है कि इमरान खान की हुकूमत में ये मंसूबा भी खत्म कर दिया गया है। आज इलेक्शन में फिर एक दफा आपकी इमानत में खयानत की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन के सौदे किए जा रहे हैं, लेकिन वोट अवाम के पास होता है, अवाम अपना हक जानते हैं। ये सब तमाशे नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान में भी लोग सवाल पूछते हैं, आज पाकिस्तान में लोग सवाल पूछते हैं कि जो महंगाई है इसका जिम्मेदार 2018 का इलेक्शन है, जो आज बेरोजगारी है इसकी जिम्मेदारी 2018 के इलेक्शन में जाती है, आज जो मुल्क मुश्किल में है इसकी जिम्मेदारी 2018 के इलेक्शन में जाती है। तो आज आपने जो 15 को फैसला करना है, अपने अपने वोट का तहफ्फुज़ भी करना है, और इन लोगों से जो आपको झूठ बोलते हैं, जो आपके तरक्की के रास्ते खत्म करते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ महंगाई देते हैं, बेरोजगारी देते हैं, मुझे बताए ना, इस 2-2.5 साल में इमरान खान यहां रहा है, हर आदमी महंगाई से तंग है या नहीं है? हाथ 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 उठाकर बताए। आज हर घर में महंगाई है, हर घर में महंगाई है, हर घर में बेरोजगारी है। वो पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था आज जवाल वजीर है। ये सिर्फ और सिर्फ 2018 के इलेक्शन की धांधली का नतीजा है। आज गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल भी आपके हाथ में है। 15 फैसला करना है कि हमने फिर हफीजुर रहमान इनके साथी को वापस लाना है, आतिफ सुलेमान को लाना है, मोहम्मद नजर को लाना है, इनके साथियों को लाना है, या हमने फिर उसी करप्ट टोले को लाना है जो यहाँ करप्शन भी करते रहे, अवाम को लूटते रहे और कोई तरक्की नहीं की। ये फैसला आपके पास है, मुझे हाथ उठाकर बताएं कि वोट मोहम्मद नजर का होगा? जरा जोर से यार, जोर से नारे भी लगाए, मोहम्मद नजर। मोहम्मद नजर साहब अकेले नहीं है, इनके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मोहब्बत से, आपकी लगन से आतिफ सुलेमान साहब भी कामयाब होंगे, मोहम्मद नजर साहब भी कामयाब होंगे, और 15 नवंबर को जो सुबह सूरज तलू होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, और एक दफा फिर हाफिज हफीज रहमान साहब की क्यादत में एक बेहतरीन अवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत इंशाल्लाह आपको मिलेगी।